हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंड रशुभ। आप ये मेरा चेहरा देख सकते हो, टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले। हम लोग मेकअप हैक्स यूज़ करके हम लोग मेकअप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने टोनर लगाया अपने फेस पे ताकि मेरा फेस बहुत अच्छा सा ग्लो करने लगे, स्किन प्रेप हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पहला हैक करेंगे। इसमें आपको सिर्फ चाहिए हाइलाइटर, पाउडर हाइलाइटर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट और मॉइस्चराइज़र। इस हैक को क्या है कि आप है ना जल्दी जल्दी में हो तो आप सिर्फ एक साथ इतने सारे स्टेप यूज़ करने के बजाय आप एक काम करो, पहले मॉइस्चराइज़र लो, फाउंडेशन लो, अपना कोई सा भी फाउंडेशन, उसके बाद कॉम्पैक्ट लो, डेली यूज़ वाला जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो लो, उसे स्क्रैच करो। और इसमें आपको स्क्रैच करके सारा जितना भी पाउडर है, पाउडर प्रोडक्ट, उसको लेना है। उसके बाद हाइलाइटर लो, हाइलाइटर को भी अपने स्क्रैच करो और उसमें जो मिक्सचर है उसमें मिक्स करो सबको। मिक्सचर क्या क्या है आपको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, मॉइस्चराइज़र है, फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट पाउडर है और हाइलाइटर है। ये एक आपको मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन बन जाएगा जिसमें प्रोटेक्शन भी है, मॉइस्चराइजिंग भी है, हाइलाइटिंग भी है और कवरेज भी है। तो ये एक फुल मतलब मेकअप हो जाता है कि आपको ज़्यादा कवरेज भी नहीं जाना चाहिए, आपको हेवी भी लुक नहीं चाहिए उसके लिए, और आपको ड्यूई फिनिश भी चाहिए। देखो कितना अच्छा शाइन कर रहा है, आप डिफरेंस देख लो कि देखो कवरेज भी है फेस में और देखो ड्यूई फिनिश भी है, हाइलाइटिंग का काम कर रहा है। तो आपको एडिशनल डेली डेली यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसलिए आप देखो ये कितना अच्छा शाइन कर रहा है और फेस कितना अच्छा सा, इतना अच्छा शाइन कर रहा है, ग्लोई लग रहा है, अच्छा लगा। नाउ सेकंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेकंड हम लोग कंसीलर लेंगे और लिपस्टिक लेंगे, कोई सा भी लिपस्टिक ले लो और हाइलाइटर लो। तो ये बहुत अच्छा सा ग्लोई सा शाइनी सा ब्लश लगाने का टेक्निक है कि सबसे पहले लिपस्टिक लगाओ कोई सा भी और उसके ऊपर हाइलाइटर लगाओ और उसके ऊपर आप कंसीलर से उसे लगा करके ब्लेंड करो। ये देखो कितना अच्छा सा ब्लश हो गया है जो कि शाइन कर रहा है, प्लस पिगमेंट दे रहा है और बहुत अच्छा सा आपके फेस को फ्लश कर रहा है, आपके चिक्स को। ये बहुत अच्छा है डे टाइम के लिए, आपको अगर ऐसा चाहिए कि देखो कलर चाहिए। तीसरा है आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से आपको कॉन्टोर यूज़ करना है, ट्रायंगल टाइप में पहले कॉन्टोर यूज़ करो, फिर ब्लश यूज़ करो और उसके बाद हाइलाइटर यूज़ करो। सबसे नीचे रहेगा आपका कॉन्टोर जो कि आपको हमेशा डाउनवर्ड में रखना चाहिए और ब्लश और हाइलाइटर, उसके बाद उसे ब्लेंड करो। तो देखो बहुत इजीली आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टोर भी हो जाएगा, ब्लश भी हो जाएगा और हाइलाइटर भी हो जाएगा और आपका फेस है ना बहुत अच्छा सा चिजल्ड लगेगा। चिजल्ड इन द सेंस कि आपका ग्लोई प्लस चिजल्ड लगेगा, आपको एक शेप मिल जाएगा फेस का, शाइन भी रहेगा प्लस पिगमेंट भी रहेगा और कॉन्टोर्ड रहेगा। उसके बाद आप अपने फेस में हाइलाइटेड एरिया पे आप उसे कॉन्टोर करो और इस तरह से करना जिस तरह से दिखाया जा रहा है। इस तरह से क्या होगा कि जॉ लाइन है ना बहुत शार्प लगेगा और जो नेक एरिया का जो फैट जमा रहता है ना उस वो लाइनिंग करने से आपका फैट वो क्या होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और हमेशा कॉन्टोर फोरहेड में इसी तरह से करते हैं, टेम्पल में, ठीक है। देखो नेक में भी आपको कॉन्टोर करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि आपको नोज़ अगर कॉन्टोर करना आपको नहीं पता है, आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाता है, तो सिंपली अपने ट्वीज़र को लो और इस तरह से नाक में रखो नोज़ पे और उसे कॉन्टोर से पहले एरिया को कॉन्टोर करो, नोज़ एरिया को, और उसके बाद उसे ब्लेंड करो। देखो ये वाला हैक मेरे तरफ से देखो पास तो है लेकिन इसे हमेशा यूज़ मत करना क्योंकि देखो सांस रुक जाती है मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा तो है देखो इजीली नोज़ कॉन्टोर तो हो जाता है लेकिन पता है बहुत प्रॉब्लम होता है, टाइट रहा आपका ट्विजर तो सांस रुक जाता है। चलो अब आईब्रोज़ का हैक ट्राई करते हैं। आईब्रोज़ के लिए सबसे पहले अपने हेयर्स को, आईब्रोज़ को ब्रश करो स्पूली से। उसके बाद ये प्रियंका चोपड़ा वाला हैक है जिसमें देखो कितना अच्छा से आईब्रो पेंसिल को इस तरह से ये करो और उसे जस्ट स्पूली से ब्रश कर दो। देखो ये हैक मुझे है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि इससे है ना कोई देखो सीमलेस इफेक्ट नहीं आता है। इससे बेटर है कि आप अपना रेगुलर वाला करो। देखो जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ कि पेंसिल लो और उसे जितना ज़रूरत हो उतना ही उसे फिल इन करो और उसे स्पूली से ब्रश कर दो। एक्स्ट्रा भी नहीं लग रहा ना ज़्यादा डार्क लग रहा है एज़ कम्पेयर टू हैक, तो हैक मेरे लिए फेल है और जो रेगुलर वाला है वो ठीक है।
क्योंकि मेरे लिए ये पास नहीं है। अगर आप लोग ट्राई करते हो तो बताना। नेक्स्ट अगर हैक है कि थ्री फिंगर्स हैक, ठीक है, ये बहुत वायरल हुआ है। इस हैक में ना देखो, तीन कलर का, एक आई शेडो लेते, एक मैट शेड लेते, एक सिमर शेड लेते, या फिर लाइट शेड या डार्क शेड लो, उसके बाद एक में लो ग्लिटर शेड या सिमर शेड। मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन लिया है, लाइट ग्रीन लिया है और सिमर शेड लिया है। देखो इस तरह से ब्लेंड करो, बस हो गया इजीली। अगर जिसको आई मेकअप करना नहीं आता वो कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है। उसके बाद मैंने सिंपली इसके ऊपर ग्लिटर लगाया है। ये हैक में नहीं आता है, बस ये मैंने इस आई लुक को पॉप आउट करने के लिए किया, ठीक है। अगर तुम्हारा कोई भी मेकअप है पॉप आउट नहीं हो रहा आई मेकअप में, तो ग्लिटर उससे ऊपर से प्रेस कर, बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हैक के लिए आपको देखो, अगर आपका एक्सेस डस्ट ऑफ होता है ना, तो आप इस तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर लो ब्रश में और इस तरह से स्वाइप अप कर दो अंडर आई की तरफ, बहुत अच्छा से वो वाइप होता है और बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी आंखें छोटी हैं, बड़ी करनी है, ये हैक अपना, वाइट पेंसिल लो या काजल लो या न्यूट पेंसिल लो और बस बहुत अच्छा से उसको पहले आई लिड अपने वाटर लाइन पर लगाओ, और उसके ऊपर अगर आपको अपना कोई सा भी काजल आपको लाइट कलर का है, लाइट पिगमेंट है, उसको पॉप आउट करना है, तो इस तरह से भी कर सकते हो कि वाइट काजल लगाओ और उसके ऊपर लाइट पिगमेंट लगा लो। देखो बहुत अच्छा निखर के आता है, आप देख ही सकते हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट हैक है कि आपको क्या करना, आपको अगर आपका आपका है ना आई लैशेस आपका घना नहीं है, आपको बहुत अच्छा सा लिफ्ट नहीं देता, वॉल्यूम नहीं देता है, तो आप एक काम करो, इस तरह से सबसे पहले लूज पाउडर को एक स्पूली में लेकर के अपने आई लैशेस पे लगाओ, उसके बाद मस्कारा लगाओ, बहुत अच्छा सा लिफ्ट हो जाता है। देखो डिफरेंस इंस्टेंटली दिख रहा है, ये वाला ज़्यादा नहीं हो रहा है लैशेस वॉल्यूम, लेकिन जिसमें मैंने हैक लगाया है वो बहुत अच्छा सा लिफ्ट हो रहा है और ये वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है। ये सिर्फ एक कोट था, उसके बाद मैंने दोनों कोट किया, दो कोट किया और ये मस्त है एकदम। चलो नेक्स्ट हैक के लिए अब करना क्या है कि आपको एक ट्वीज़र लेना है और मस्कारा ब्रश लेना है। अब देखो करना क्या है, ये सेलेना गोमेज का हैक है। इसमें देखो अगर आपका लोअर लैशेस है ना, आपका बहुत अच्छा से मतलब कर्ल नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, तो इस तरह से मस्कारा वॉन्ड से लो पिगमेंट और उसे आई लैशेस से इस तरह से पिंच करते हुए निकालो। बट ये हैक मत करना, वरना जो बचे कुचे भी लैशेस हैं ना वो निकल जाएंगे, मेरे एक दो निकल गए हैं और ये बहुत पिन करता है, बहुत चुभता है, ये हैक पूरा फेल है मेरे लिए। चलो नेक्स्ट हैक में हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर हमें अपने लोअर लैश लाइन को अगर इन्हेंस करना है लैशेस को, तो ये वाला हैक ट्राई करो। पहला वाला हैक से तो ये मच बेटर है, क्योंकि देखो अगर आपको करना है तो सिंपली एक लाइनर लो, लाइनर को हल्का हल्का लगाओ लोअर लैश लाइन में, उसके बाद मस्कारा लगाओ, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और इससे पता है लोअर लैश लाइन ना फुलर लगते हैं, वॉल्यूम लगता है कि हाँ है, नीचे भी लोअर लैश लाइन आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है और कितना अच्छा लग रहा है और बड़ा भी लग रहा है। ये आँख बहुत छोटा छोटा लग रहा है, लेकिन जिसमें हमने हैक किया है वो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, तो आँखें बड़ी करनी है तो प्लीज़ कर लेना। उसके बाद मैंने सिंपली अपने मेकअप को फिक्स किया है, तो इस तरह से जो डायरेक्ट लगाते हैं ना वो मत लगाना। इसमें एक हैक है ये कि ब्यूटी ब्लेंडर में स्प्रे करो मेकअप फिक्सर, उसके बाद अपने फेस में डैब डैब करो। उसके बाद देखो ये हाइलाइटर का हैक है, इसमें अगर आप डायरेक्टली लेते हो और हाइलाइटिंग करते हो तो ये बेकार हो जाता है, पैची लगता है। इससे बढ़िया है मेकअप फिक्सर या स्प्रे डालो और उसके बाद हाइलाइटर लो ब्रश में और उसे हाईलाइट करो फेस में, बहुत अच्छा सा ग्लो आता है, बहुत अच्छा लगता है, सीमलेस लगता है, बिल्कुल फ्लॉलेस लगता है। उसके बाद इसी तरह से अगर आपको इनर कॉर्नर वगैरह में लगाना हाइलाइटर, तो ऐसे ही छोटे ब्रश में स्प्रे करो, चाहे तो आप फिक्सर स्प्रे कर सकते हो या फिर सेटिंग स्प्रे भी कर सकते हो। ये एक टिप है, बहुत लोग सोचते हैं कि सेटिंग स्प्रे इतने महंगे महंगे आते हैं, मैं हर वक्त नहीं ले सकती, तो ठीक है इट्स ओके यार, तुम्हें सेटिंग स्प्रे नहीं लेनी, मतलब फिक्सर से भी हो जाता है, कभी कभी तो टोनर से भी हो जाता है, आप ये भी ट्राई करके देखना, ये एक एक्स्ट्रा टिप है आपके लिए, ठीक है। जिसको ये एक्स्ट्रा टिप पसंद आएगा तो बताना। देखो ये कितना अच्छा सा हाईलाइट हुआ ना, कितना अच्छा लग रहा है ना,
देखो ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपके होठों के लिए। अब देखो आजकल पता नहीं लोगों को है ना, मोटे से मोटे मोटे होठ, ऊँट की तरह वाले होठ क्यों पसंद आते हैं यार। हमारी नॉर्मल जो नेचुरल लिप्स है वैसे ही रहने दो ना। ये एक हैक बहुत चला है, वायरल है, चिली हैक। इसमें क्या करना है आपको, अपने लिप्स पे है ना मिर्च लगानी है। मिर्च को मतलब टिपिकली रब कर लो। ऐसे तो हम लड़कियां हैं ना गोलगप्पा खाते वक्त है ना बहुत सारी मिर्चें खा सकते हैं, पर अगर होठों पे लगाओगे ना तो सच्ची बता रहा हूँ, लिटरली ना तुम्हारा होठ जलने लगेगा। और इतना जलता है ना कि तुम्हारे मुंह में बहुत पानी आता है और जलन होता है। मेरा तो हालत ख़राब हो गया था क्योंकि बीज भी थे ना इसमें। तो देखो एक होता है गोलगप्पा के साथ खाना और एक होता है ऐसे ही लगाना, कौन लगाना चाहेगा। बट ये हैक था तो मैंने किया है। देखो इतना जल रहा था, इतना जल रहा था। प्लीज़ यार मेकअप करने के बाद मत करना ऐसा, क्योंकि मेकअप वाला फेस है ना बहुत अजीब सा लगता है। अगर हाँ ऐसे ट्राई करना चाहते हो ये हैक तो ट्राई करना, जलेगा तो मुझे मत बोलना ठीक है। पर हाँ ये हैक मैंने किया है और लिटरली ये क्या किया है कि मेरे होठों को थोड़ा सा क्या किया, प्लम्प कर दिया, थोड़ा सा मतलब इंटेंस कर दिया है। जैसे मेरा थोड़ा सा, मेरा होठ मोटा ही है पर उतना मोटा नहीं, लेकिन ये जितना का मैंने स्क्रब किया था ना वो मिर्ची से, चिली से, वो क्या किया ना थोड़ा सा प्लम्प कर दिया वो, मतलब एक तरह से सोचो कि सुजा दिया है। सुजा दिया वो एक तरह से। देखो कितना बुरा हालत हो रहा है कि जब वाइप अप की कर देते ना, वाइप आउट कर देने के बावजूद भी ना चिली का जो जलन होता है ना वो रहता है, और इतना जलन देता है ना कि क्या बोलूँ मैं। आप लिटरली पानी भी नहीं पी सकते, इतना जलन लगता है उसे। सिर्फ मैंने क्या किया उसके बाद, जब ये हैक ट्राई किया तो लिप लाइन किया है और लिप ग्लॉस लगाया। आप देखो मेरा होठ कितना अच्छा लग रहा है। जैसे हालत तो ख़राब हो रहा है पर हाँ ये लुक बहुत अच्छा आया है, एकदम जूसी सा प्लम्पी सा लुक आ रहा। देखो मैं तो नाक से भी पानी आ गया, इतना जल रहा था। उसके बाद लास्टली मैंने मेकअप फिक्सर से पूरा मेकअप को लॉक किया है और ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, ये आई लुक कैसा लगा, ये पूरा मेकअप कैसा लगा, ये टिप्स कैसा लगा, हैक्स कैसा लगा, कौन कौन सा हैक्स वर्क किया है आपने, ट्राई किया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें से कोई भी हैक आपने ट्राई किया होगा ना और आपको अच्छा रिजल्ट निकला होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना प्लीज़। और ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है ये भी बताना, मैं इसका ट्यूटोरियल जल्दी 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 डालूंगी, अब प्लीज़ मुझे बताना। पर मुझे अगर पूछो तो मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगा, ये मेरे ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ढेर सारा प्यार देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखो, ये है फाइनल लुक। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, आई लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या प्लम्प्ड लिप्स अच्छा लग रहा है, या मेरे इयर रिंग्स, या मेरा पूरा होल लुक। आपको जो अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ 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 प्लीज़। ढेर सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ो यार, मैं इतने मेहनत से करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो प्लीज़। ये लुक कैसा लगा, आई लुक अगर आप ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।